मुजफ्फरपुर की जेलों में सुरक्षा का संकट। जेल में आईजी ने सुरक्षा ऑडिट के लिए सभी जिलाधिकारी और एसपी को लिखा पत्र। लालू परिवार में जहानाबाद और सीवर सीट को लेकर तकरार जारी। नहीं माने तेज प्रताप, राजद उम्मीदवार के खिलाफ करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को सीएम नीतीश की मौजूदगी में किया संबोधित। कहा, आपके इस चौकीदार को आपके घर के चूल्हे चौकी और देश की चिंता। आपने 70 साल लाल बत्ती का रौब देखा, इसे हटाकर हमने गरीब के घर सफेद बत्ती दी। पटना जेल में बंद सिपाही मुकेश हत्याकांड का आरोपी कुख्यात अपराधी उज्जवल के शागिर्द विक्की ने दानापुर कोर्ट में किया सरेंडर। गोलीबारी समेत कई मामलों में था फरार। पक्ष विपक्ष का ट्विटर पर बयानों का सिलसिला जारी। इस बीच लालू यादव का नीतीश पर तंज, बताया दो मुहा साफ। कब किधर जाएगा किसको पता है, कौन लेगा इसकी गारंटी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बिहार में 4 सीटों की वोटिंग में चुनावी रंग देखने को मिला। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार साइकिल से वोट डालने पहुंचे। भोजपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। गवाही के 5 दिन पहले किसान की गोली मारकर हत्या। छोटे भाई का हत्या का था चश्मदीद गवाह। मामला जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के इटौर गांव की है। नवादा, असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान प्रभावित करने की कोशिश। गोविंदपुर स्थित बूथ संख्या 215 का कंट्रोल बॉक्स तोड़ दिया गया। जिला अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज, एक की गिरफ्तारी। टिकट की तकरार में टूटती जा रही आरजेडी। मधुबनी से टिकट नहीं मिलने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी ने मधुबनी से नामांकन को लेकर किया ऐलान। रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र से पुलिस ने जाली नोट व पेपर के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। छापने वाला कागज बरामद, पूछताछ जारी।